नमस्कार, शिवम सिंह नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके सम्राट दर्पण। बात करते हैं, जैसे रायबरेली जो कि एक राजनीतिक जिला है और आए दिन सरकार भी कहती है और प्रदेश सरकार हमारा संविधान भी कहता है कि बाल श्रम एक अपराध है, बाल श्रम एक अपराध है और नाबालिग बच्चों से काम नहीं करा सकते। लेकिन कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कहे जाने वाले रायबरेली जिले के राही विकास खंड के ग्राम पंचायत के कोला हैबतपुर के फकीर के पुरवा का। बात करेंगे वहां पर कि फकीर के पुरवा में जैसे कि वहां के ग्राम प्रधान जो है माता प्रसाद है और वो सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं जिसमें पीले ईंट का भी प्रयोग किया जा रहा है, और वहीं तो दूसरी तरफ देखें तो दो नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। आखिर क्या मजबूरी है जो उनके घर वाले अपने नाबालिग 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से काम कराने के लिए बाहर भेजते हैं? या दयनीय स्थिति, कंडीशन खराब है आर्थिक स्थिति, या यूं फिर कहें कि प्रधान उनको बुलाता है। आखिर प्रधान की भी जिम्मेदारी होती है कि अभी आप वयस्क नहीं हैं, आप 18 साल के नहीं हैं, आप मनरेगा में काम मत करिए, सलाह देनी चाहिए ग्राम प्रधान अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन यहाँ जो अंधेर मची है कि जो आए सब अपना घर का राज है और वहीं पर 18 वर्ष के बच्चों से जो उनके कमरे की 16 साल उम्र है और एक की 17 वर्ष उम्र है, दोनों बच्चों से मनरेगा में सामुदायिक शौचालय केंद्र जो बन रहा है वहां पे वो काम करा रहे हैं और पीले ईंट का भी निर्माण कर रहे हैं। ये वीडियो में आप नजर डाल रहे हैं, ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से काम चल रहा है और नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा। और वहीं पर ग्राम प्रधान को जब सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम किसी की नहीं सुनते हैं। और इसकी सूचना इवन की रायबरेली जिलाधिकारी महोदय वैभव श्रीवास्तव के सीयूजी नंबर पर भी अवगत कराया गया, उनके असिस्टेंट ने उठाया, स्टोनो ने उठाया, उनसे सारी घटना को अवगत कराया गया और वहीं पर उनके सीयूजी नंबर पर वीडियो भी भेज दी गई। लेकिन अभी तक कहीं कोई सुनवाई, कहीं कोई मामला, कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों एक बाल श्रम पढ़ने खेलने खाने की उम्र में उनसे आखिर मनरेगा में काम कराया जा रहा है मात्र 200 रुपए की मजदूरी पे? आखिर उनका भविष्य क्यों बर्बाद किया जा रहा है? उनको ग्राम प्रधान होने के नाते उनको एक अच्छी सलाह और शिक्षा देनी चाहिए कि अभी आपकी पढ़ने की उम्र है और आर्थिक सहयोग भी चाहिए तो ग्राम प्रधान दे सकता है, क्योंकि आजकल जो ग्राम प्रधानों की लूट है, कहते ना यहू मखायो अस अंधेर, तो वही से हाल है कि ग्राम प्रधान 5 साल के लिए बनते हैं और 5 साल में अरबों के करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। तो कोई भी ग्राम प्रधान इतना भी मोहताज नहीं है कि किसी गरीब आर्थिक परिवार को 5-10 हजार की आर्थिक सहायता देने में असमर्थ। ये आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से लोग वहां पे इकट्ठा हुए और किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं करी, सब डरते थे क्योंकि गांव के हैं, विरोध आखिर करेगा तो कौन करे, रहना उसी गांव में है, तो डर के वजह से या दबंगई कहें या डर कहें या उस गांव के निवासी होने के नाते आखिर क्या मामला था कि ग्रामीणों ने खुलकर हमारे संवाददाता हमारे मीडिया कर्मियों को नहीं बताया। ये आपने वीडियो में देखा किस तरीके से बच्चों से काम कराया जा रहा और पीले ईंट का और 10-1 का मसाला लगाया जा रहा, घटिया मसाला एवं घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा। आखिर इस तरीके में जो गांव के लिए सामुदायिक शौचालय है वो कितने दिन चलेगा?